हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटर और बोंबिल की चटनी बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने चार प्याज ले ली हूँ, इसे मैंने ऑमलेट कट करके रखा हुआ है। छह टमाटर इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ कुछ मसाले हैं जिसमें चार हरी मिर्ची इसे मैंने बारीक कट कर लिया है, हाफ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, वन टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। यहाँ मैंने पांच बोंबिल ले ली हूँ, इसे मैंने साफ़ करके बारीक कट कर लिया है। फिर इसे मैंने 20 मिनट के लिए भिगा दिया था, उसके बाद इसे मैंने वॉश करके इसे मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसे एक डिश में निकाल लिया है। चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली हूँ, जिस तेल में हमने बोंबिल फ्राई किया था उसी तेल हम यूज़ करेंगे। ऑयल में हम प्याज ऐड कर देंगे जिसे मैंने ऑमलेट कट करके रखा हुआ था। इसे 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, प्याज ब्राउन हो गई है। अब उसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। इसमें पाउडर मसाले ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को भून लिए सब मसाले के साथ। अब उसमें टमाटर जिसे मैंने बारीक कट करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे सब मसालों के साथ। मिक्स करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया था, अब उसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया को मैंने बारीक कट कर लिया था, वो चटनी में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बोंबिल ऐड कर देंगे, जो बोंबिल को हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि बोंबिल का टेस्ट टमाटर में अच्छे से मिल जाए। 5 मिनट तक मैंने इसे कुक कर लिया था। देखिए यहाँ टेस्टी टमाटर और बोंबिल की चटनी बनके रेडी है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ टमाटर और बोंबिल की चटनी बनके रेडी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।